हाय देखो हाय हेलो दोनों जन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हाँ अभी बज रहे हैं 8। सो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और हमें जाना है अपनी शिप पे। हम लोग आज पूरा वहीं पे टाइम बिताने वाले हैं। हमारा स्कूबा ड्राइविंग है, लाइफ में फर्स्ट टाइम हम लोग स्कूबा ड्राइविंग करेंगे। सो हम लोग चारों लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो आप लोग साथ शेयर करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि जब भी आप लोग गोवा आएँ तो स्कूबा ड्राइविंग वगैरह जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो करें और डरे ना। हम लोग भी थोड़ा बहुत अंदर से डर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अगर अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो आप लोग से अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। सुबह हल्की हल्की ठंडी लग रही है। हम जा रहे हैं कैलमोट बीच, वहाँ से हम लोग शिप में बैठेंगे। हमारी जो शिप बुकिंग हम लोगों ने की थी वो कैलमोट से की हुई है। सो हम वहाँ जा रहे हैं, हमें वहाँ नौ पौने नौ तक पहुँचना है। वहाँ जल्दी से पहुँचे, सारा दिन आज हम लोग शिप में बिताएंगे। सो हमें बहुत ही मज़ा आएगा। सो आप लोग हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम बोट में बैठेंगे। ये रही हमारी बोट, इनमें से कौन सी है? ये सिंगल सिंगल वाली बोट है। ये कह रहा है कुछ अच्छी सी जैसे कशीनो। सो गाइस हम सब बैठ चुके हैं। अभी आप लोग कैसा फील कर रहे हो जाने के लिए? एक्सपीरियंस बढ़िया भाई, अलग ही लग रहा है। देख पहले सीधा पहना, जैकेट फिट नहीं हो पा रहा है। अभी तो सीधा पहना, उस समय वाला उल्टा पहना। तो गाइस यहाँ से हम जाने वाले हैं एक आइलैंड पे। हमारी बोट अब चलेगी। ब्लॉग जहाँ पे काफी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे दिल चाहता है, बारिश पिक्चर 2, वही लेफ्ट में देखिए जो राउंड राउंड घूम रहा है।
अभी यहाँ से अपन जाएंगे बैड, बट मैं श्योरिटी नहीं दूंगा क्योंकि वो आपके लक पे है और डाउटेंस के मूड पे, वो पालतू नहीं है इसलिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, बट ठीक है ट्रैवल हमको होगी। ओके, यहाँ से आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, ब्रेकफास्ट में आपको डिस्पोजल प्लेट मिलेगी, तो प्लीज प्लास्टिक की कोई भी चीज आप पानी में फोल नहीं करें, कोई भी नहीं। अगर आप थ्रो कर दोगे दूसरे को, हम लोग आपको 2000 रुपए में चारा। ओके, हाँ खाने की चीज अगर बचती है तो आप बाहर फेंक सकते हो। और स्मोकिंग, यहाँ फैमिली जो है स्मोकिंग आपको थोड़ा अलर्ट होके पीना है, सामने जाकर यानी पीछे को नहीं पिएगा, पीछे तो ड्यूल है तो पीछे तो अलाउड ही नहीं है, सामने जाके वो भी बोर्ड उठने के। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बोट चेंज कर ली है, यहाँ पे हम जा रहे हैं पैरासेलिंग के लिए। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था पैरासेलिंग का गाइस। क्या होता है ना, यहाँ पे ना ये लोग ना पहले तो आपको कंट्रीब्यूशन करवा के मतलब बता देंगे कि पैकेज में ये सारी चीज़ें हैं, बट जैसे वहाँ करने जाएंगे ना तो ये लोग हर चीज़ का ना पैसा मांगते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पैरासेलिंग कर रहे थे तो ये लोग क्या बोल रहे थे कि आप लोग अगर पानी में डिप करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, जो कि ये पहले नहीं बताया जाता है। सो अगर कभी भी आप न्यू हो गोवा में जा रहे हो तो सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लो, तभी आप ये सारा पैकेज वाला चीज़ करो, वरना मत करो। क्योंकि इस बार तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो मैं फर्स्ट टाइम की थी तो हम लोग ने पानी में डिप भी किया था, बहुत मज़ा भी आया था। ऐसे में अच्छा लग रहा, पता है वो ऐसे से हो रहा है ना, दिमाग भारी हो जा रहा है। चलो बनाओ, तो मोबाइल दे दो मेरे को, मोबाइल पकड़ लेता हूँ। को बिन बिन के लेके आके खेल रही है। हाँ खजाने रख दो रख दो। और आपको और भैया मस्त पानी में तैर रहे हैं, ये रहे। तो गाइस अभी हमारा वाटर स्पोर्ट्स हो गया है, हम लोगों ने बनाना राइड किया और एक कुछ टायर वाला होता है उसमें बैठ के वो लोग घुमा रहे थे, एंड थर्ड हमारा था जेट जो वाटर वाला होता है, हम लोगों ने वो किया, बट मैं वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज पानी का जो लेवल था ना वो इतना ज़्यादा था कि मेरा पूरा फोन ही ख़राब हो जाता। हाँ वाह।
रहा था कि हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता, तो फ़ोन की सेफ्टी के लिए और कोई हमारा वीडियो बनाने वाला था नहीं जो पानी के अंदर रह के वीडियो बनाए। और भैया भाभी आयत को देख रहे थे ताकि हम लोग अच्छे से अपना राइड जो है वो कंप्लीट कर पाए। तो गाइस मेरे पास सिर्फ पैराग्लाइडिंग का ही वीडियो है और बाकी जो वीडियो है वो मैं नहीं ले पाई हूँ पानी की वजह से। अभी हम लोग स्कूबा डाइविंग करेंगे तो उसकी वीडियो जो है वो लोग भैया लोग बोले हैं कि हम बना के देंगे। तो उसका वीडियो और पैरासेलिंग जो हमने किया था उसका मैं आप लोगों को वीडियो जरूर दिखाऊंगी, भेजूंगी, आप लोग बताइएगा कैसे लगा। तो हमारा गोवा का जो जर्नी है बहुत ही मज़ा आया गाइस। लेकिन थोड़ा सा मुझे क्या होता है ना, वो जो आप किसी क्या बोलना चाहिए शिप पे बैठे हो ना, तो वो ना ऐसे पानी की वजह से ऐसे से होती है, तो मुझे ना वो सूट नहीं किया। तो मैं जब से यहाँ आई हूँ कम से कम मैंने 4-5 बार उल्टियाँ कर दी हैं, तो मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है। बट ये बीच पे पहुँच के जब ये लोग 3-4 और राइड जो हमारी थी उसको करवाया तो थोड़ा ठीक लगा, बट थोड़ा सा मेरा सही नहीं है। आप लोग अगर जिसको वॉमिट वगैरह की प्रॉब्लम होगी, जो भी वॉमिट वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो वो अगर पहले से ही मेडिसिन लेके आ रहे तो ज़्यादा बेटर है। मैं एक्चुअली मेरे को लगा नहीं था कि मुझे बोट में वॉमिट वगैरह होगी। तो आप लोग अगर जिसको प्रॉब्लम है कार वगैरह से, हर चीज़ से, बोट से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ ये लोग ना डीजल डालते हैं। बिकॉज ना डीजल मेरे को खुद को सूट नहीं करता, मैं डीजल वाली गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरी हालत ऐसी ही हो जाती है। सो हमें तो बहुत मज़ा आया और आप लोग ब्लॉग देखिएगा, हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग, अगर आप लोगों की दुआ से मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो ज़्यादा बेटर है। सो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अभी जब हम यहाँ से गोवा से जाएंगे तो मेरा थोड़ा मैं फिर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेकअप, इवन मैंने कुछ सोच के रखा है कि मैं कुछ लुक रिक्रिएट भी करके दिखाऊँगी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ प्लीज़ भर भर के लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हमारा यही फैमिली ब्लॉग है, आज हम लोग बस यहीं पे सारा दिन बिताने वाले हैं। शाम को पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय गाइज। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बीच में और ये भाभी और आया शिव ढूंढने का काम कर रहे। देखो भाभी कितनी दूर तक चली गई है, फुल मूड में है ना भाभी शिव ढूंढने के लिए। जो सीपी होती है ना वो ना कुछ आयत यहाँ पे ऐसे ला के कलेक्ट कर रही है। मम्मा देखो ये खजाना मिल गया, आ रही आयत। हाँ बेटा खजाना मिल गया, अरे वाह, चलो सबको इकट्ठा करो। मैं और ढूंढ के लाती हूँ। ओके सारा खजाना लाती हूँ, सारा खजाना लेके आओ, सारा गोवा का जितना खजाना है सब हम लोग लेके जाएंगे। वो भाभी भी बड़े शिद्दत से लगी हुई है, आप देख सकते हैं भाभी फुल ढूंढ ढूंढ के कहीं आखिरी छोर तक ना चले जाए। तो सारी चीज़ करने के बाद अब हम वापस से अपनी बोट में बैठ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, जो जहाँ पे एक एरिया होता है वहाँ पे ये लोग स्कूबा डाइविंग करवाते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे भी वो लोग अपनी स्कीम बता रहे थे कि अगर आप लोग स्कूबा डाइविंग अंदर पानी के और अंदर डिप तक करना चाहते हैं तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जो कि पहले नहीं बताते हैं ये लोग। सो यहाँ पे भी हमारा जो एक्सपीरियंस था ना वो ख़राब ही रहा। मैंने तो स्कूबा डाइविंग की बट उतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए। सो आप लोग जब भी जाएँ तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि सोच समझ के करें। सो उसके बाद मैं यहाँ पानी के अंदर जा रही हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगा बट उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना और अंदर जाना था, जो हम देखते हैं टीवी वगैरह में जो ओरिजिनल स्कूबा डाइविंग कराते हैं वो लोग पानी के और अंदर डिप तक ले जाते हैं, बट ये लोग ना थोड़ा सा ही आपको पानी के अंदर ले जाते हैं फिर वापस से आपको ऊपर कर देते हैं, तो उतना मज़ा नहीं आया। बट आप जब भी जाएँ तो प्लीज़ ध्यान रखें और इन लोगों की बातों में ना आए। तो गाइस हमारा स्कूबा डाइविंग हो गया, भाभी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाई। आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरे को बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर पाई, ऐसा लग रहा है कि सेकंड टाइम चांस मिले तो मैं करूँगा। फर्स्ट एंड लास्ट होता है वही वाला आपके साथ हो गया, बस भैया और मैं ही किए, आपको भी नहीं किए, कोई भी नहीं किया, हम लोग ड्रॉप कर दिए। तो आप लोग साथ हम लोग वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो